क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन एंगल एंड बाइसेक्ट इट इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। हम इसमें सबसे पहले जो हमारे पास एंगल है वो है 100 डिग्री, तो हम सबसे पहले 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, और यहाँ आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, तो ये वाला पॉइंट डी का ये वाला पॉइंट और 180 डिग्री हम इस तरह से मैच कर देंगे, और हमारा जो 100 डिग्री है वो यहाँ पर बन रहा है। तो हम यहाँ पर एक और मार्क लगाएंगे और इस मार्क को यहाँ से हम मिला देंगे। ये हमारा 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ हुआ हो गया है। अब एंगल ड्रॉ करने के बाद आपने ये करना है कि अपनी मर्ज़ी से ये कंपास को खोलना है और यहाँ पर एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। तो हमारे पास अब ये दो पॉइंट्स हो गए, एक ये वाला पॉइंट है और एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है। तो अब हम यहाँ पर अपना कंपास रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम मेजर कर लेंगे। एक आर्क हम यहाँ पर पॉइंट रखने के बाद एक आर्क हम यहाँ पर यूँ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और दूसरा वाला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर आर्क करके हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारे पास ये वाला एक पॉइंट बन जाएगा। हम इस पॉइंट को पेंसिल से यूँ मार्क कर देंगे। अब हमारे पास ये दो पार्ट्स आ चुके हैं। नाउ अब हमें क्योंकि फोर पार्ट्स बनाने हैं, इसलिए हम वापस यहाँ से अब एंगल ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह, और एक एंगल हम यहाँ पर रख के ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। तो हमारे पास अब यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ हो जाएगा। तो अब हम इसे भी यहाँ से मिला देंगे। ये हमारे पास एक दो और तीन पार्ट्स हो गए। अब फोर्थ पार्ट के लिए अब हमने यहाँ से मेजर करना है और यहाँ तक रख देना है और यूँ एक आर्क ड्रॉ कर देनी है, और इसी तरह यहाँ पर जो पॉइंट बना है उससे भी हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बन चुका है, तो अब हम इसे यूँ मैच कर देंगे। और ये हमारे फोर पार्ट्स एंगल के ड्रॉ हो जाएंगे। ये हमारा ए साइड है, ये बी साइड है, सी डी ई और ये एफ़।